हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। इस वीडियो में मैं बात करूंगा झूठ के बारे में। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आपको भर भर के झूठ बोलना चाहिए। आपको मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट जानकारी दूंगा, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अपने लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं जो भी एक्सपीरियंस किया हूं उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं भाई कि झूठ भर भर के बोलना चाहिए। देखो, सबसे पहले झूठ कहां पर बोलना चाहिए, क्यों, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, झूठ वहां पर नहीं बोलना चाहिए जिसके वजह से किसी का काम सचमुच बिगड़ रहा है। मतलब उसका काम ये नहीं कि अब उसका काम बिगड़ रहा है मतलब उसको घूमने जाना है, वो नहीं जा पाएगा आपकी झूठ बोलने की वजह से, तो बस आप झूठ ना बोलो, ऐसा नहीं। मतलब एक्चुअल में उसके लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली, उसकी बीमारी से रिलेटेड है। अगर मान लो आपके पास पैसे हैं, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, ठीक है, अगर उसे सचमुच में बहुत जरूरत है, मान लो आपको पता चल गया, तब झूठ मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, आपको दे देना चाहिए, और ऐसा मैं करता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहां पर झूठ बोलना चाहिए। अगर आप अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो मैं आपको कहूंगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। देखो, झूठ बोलना चाहिए क्यों, अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दोस्त आपके पास फोन लगाए कि भाई क्या कर रहा है, कहां है, आजा चल खेलने चलते हैं, है ना, या कहीं घूमने चलते हैं, अरे यार चल यार चलते हैं, ऐसे करके बोलेंगे। अब आप झूठ रहे हैं, नहीं मैं तो ईमानदार हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ यार चल यार चलते हैं, क्या कर रहा है पूछेंगे, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, यार पढ़ाई बंद कर यार, भाई फंस जाओगे। यहां पर आपको करना क्या चाहिए मैं बताता हूं। देखो, अगर वो ऐसा बोलते हैं ना, तो बस बोल दो यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं भाई, मैं नहीं आ सकता भाई, मेरे बुखार है, कुछ भी आप बहाना ऐसा बनाओ कि वो ना बोल सके, ठीक है, या मेरे पापा नहीं आने दे रहे, मतलब बड़ा से बड़ा झूठ हो सके बचने के लिए बोल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और है पैसों से रिलेटेड। बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखोगे कि पैसे कहेंगे कि भाई तेरे पास है या नहीं है, एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, वो अपने पर्सनल खर्चों के लिए मांग लेते हैं, भाई मुझे ये लेना है दे दे। तो मैं आपको बोलूंगा वहां पर भी आपको भर भर के झूठ बोलना चाहिए कि भाई मेरे पास नहीं है। इस तरीके की झंझट में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, सीधा कहना है भाई मेरे पास नहीं है, अगर हैं भी तो, वरना फंस जाते हैं मैं जानता हूं, उसके बाद कोई नहीं, आपको जब जरूरत पड़ेगी कोई देने वाला नहीं होता है। हाँ, एक्चुअल में जैसे जरूरत है तब वहां पर झूठ मत बोलो कि भाई कोई बीमार है और उसके पास सचमुच में नहीं है, है ना, तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ झूठ भर भर के बोलो। अब एक बात और, आपके गांव में जैसे बहुत सारे लोग आप देखोगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके फोन लगाएंगे आपके पास, बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ के कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ तो मतलब करते हैं वैसे उनकी आदत है, भाई हम कुछ लाइफ में नहीं करेंगे तो इनको भी नहीं करने देंगे, मतलब वो फोन आपके पास लगाते ही रहेंगे, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो अपने जैसे गाँव में हो तुम, ठीक है, मान लो गाँव में कहीं भी, तो आपको क्या करना चाहिए, सीधा है मोबाइल बंद कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही में मैं आज भी मोबाइल अपना बंद कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ भाई, कोई अपने काम के लिए बोल रहा है, कोई अपने काम के लिए, भाई हम काम ही करते रहेंगे क्या, लाइफ में हमें बड़ा नहीं करना क्या, तुम्हारा गोल जो है बड़ा करने का, पढ़ाई में 95 फोड़ने का, अगर तुम दूसरे के कामों में जाते रहोगे, लोग बुलाते रहेंगे, तो कैसे तुम 95 ले आओगे, और कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे 95 आ जाएंगे, बताओ, तुम ही बताओ। तो भाई झूठ बोलना चाहिए, सच बता रहा हूँ, पहले मैं भी यही सोचता था यार झूठ बोलना बेकार है, ये वो है ना, सच सच बता दो, जैसे आप मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सच सच बता दो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अरे यार मत कर यार चला जा, है ना, ये हो जाता है। लेकिन मैं कैसे बोलता हूँ, अब कोई बोल रहा है भाई पढ़ाई कर रहे हो, नहीं भाई वीडियो बना रहा हूँ, नहीं भाई ये करो पढ़ रहा हूँ, टाइम भी है लेकिन नहीं, वीडियो बना रहा हूँ भाई, बहुत या सर में दर्द है, कुछ भी ऐसा बहाना जिससे आपका टाइम बच जाए, सिंपल, ठीक है, ध्यान से सुनो, कुछ भी ऐसा बहाना जिससे आपका टाइम बच जाए, तो आप टाइम बचा लो, क्योंकि टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। एक बार देखो, टाइम एक ऐसा धन है जिसको खो देने के बाद दोबारा कभी आ नहीं सकता, लेकिन पैसे खो देने के बाद, कुछ भी और खो देने के बाद आपको वापस मिल सकता है, लेकिन टाइम दोबारा नहीं मिल सकता। टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको टाइम दे सके, इसीलिए भाई टाइम को आप टाइम दो, मतलब टाइम को बचाओ भाई, अपने लाइफ में अगर बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, तो भर भर के झूठ बोलो भाई, बस सिंपल यही बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है, जैसा कि मैं भी ऐसा अपनाता हूं ये ट्रिक। अब कोई मेरे आसपास के वीडियो ना देख रहा हो वरना मेरी तो लग जाएगी। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और किस तरीके की वीडियो चाहते हो यार कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, किसी भी मुद्दे पर हो भाई, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बस आपके लाइफ में कुछ चेंज लाए, बस ठीक है, ऐसा कुछ कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।